थाना क्षेत्र की सूचना है। आज भोर में थाना पुलिस वहां की गश्त कर रही थी, उसको एक सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर आसपास के थानों की फोर्स और एसओजी की टीम भी वहां पहुंची और दो बदमाश थे बाइक पे, इन्होंने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई जिसमें पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के बीपी जैकेट पे गोली लगी और एक आरक्षी को गोली लगी। काउंटर फायर में पुलिस ने जो गोली चलाई है उसमें दोनों को गोली लगी और उनको उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया है। यहाँ अभी उनको मृत घोषित कर दिया गया है। इनकी पहचान एक के अभिषेक और एक के नितिन के रूप में हुई है। दोनों के लूट के बहुत सारे मुकदमे पंजीकृत हैं, 8 से 10 मुकदमे अभी तक प्राप्त हुए हैं, बाकी सूचना इकट्ठी की जा रही है। और इसमें जो नितिन है वो हिस्ट्री सीटर भी है सिंगरामऊ थाने से। इनके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक 9mm की पिस्टल और तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। इसके साथ ही एक बाइक भी बरामद हुई है। साथ ही कल एक घटना हुई थी, एक ATM में गार्ड को गोली मारकर लूट का प्रयास किया गया था, उस घटना में भी ये दोनों शामिल थे। इनके पास से जो गार्ड की मोबाइल लूट के ले गए थे वो मोबाइल बरामद हुई है और कुछ और डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। प्रथम दृष्टया ये सूचना है, आगे जो भी सूचना होगी आप लोगों को प्रेषित की। कल पीठ में गोली लगी थी बताया गया था, तो क्या ये इनमें से किसको गोली लगी थी, कुछ चिन्हित कर पाए? हाँ, इनमें से दोनों को ही गोली लगी थी, दोनों को छर्रे लगे हुए थे और इन्होंने कहीं इलाज भी अपना करवाया है क्योंकि पट्टी बधी हुई है इनको। बाकी इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं, बाकी चीजें अभी जैसे जैसे आगे निकल के आएंगे आप लोग से शेयर किया। दोनों डेड घोषित हो चुके हैं, अभी डॉक्टर्स ने बताया है कि दोनों की मृत्यु हो चुकी है। नहीं, केवल दो ही शामिल थे अभी तक यही पता चला है। कल जो मौके पर लोग थे उन्होंने बताया कि दो ही व्यक्ति। जिस तरह से इनकी कल की मॉडस ऑपरेंडी थी घटना की, पेशेवर थे, क्या पहले से रेकी कर रखी थी या पहले से इनको सूचना थी, कुछ इस तरह की बातें सामने? अभी आपको हमने बताया कि मुठभेड़ हुई है, इनको गोली लगी है और इन्होंने केवल नाम पता बताया, बाकी विवेचना का विषय है आगे जैसे जैसे चीजें। निवासी कहाँ के हैं ये दोनों? जौनपुर के रहने वाले हैं, एक बदलापुर थाने का निवासी है और एक सिंगरामऊ थाने का। धन्यवाद।